Take an every breathing pair. Slowly inhale and slowly exhale. Not look right and left, look front. Face should be calm. And make a smile on your face that feels your breath. Breathe in and breathe out. Then close your eyes. Close your eyes. And feels your breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And ek long breath ke saath at least 3 time hum chanting karenge. Then take deep breath. Again, take deep breath in and breathe out. And then slowly open your eyes. Slowly. Then धीरे-धीरे सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे. धीरे-धीरे. एक gentle pace में करेंगे पूरा workout. शुरू करेंगे sun salutation से. चलिए adjust कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे. एक राइट, थोड़ा एक दूसरे के सामने ना रहे. हाँ, बैलेंस बना ले अच्छे से. जस्ट इनहेल करते बहुत आर्म्स को अप ले जाएंगे स्लोली. देन कम्स इन नमस्कार मुद्रा. ध्यान लगाएंगे नमस्कार मुद्रा में, थोड़ी देर आंखें खुली रखेंगे. 2 से 3 गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें. गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें. एंड देन फर्स्ट मंत्र के साथ ओम मित्राय नमः. ये से इनहेल करते हो, दोनों आर्म्स के साथ बैकवर्ड बैंड जाएंगे स्लोली धीरे. उचित दूरी दोनों हाथों में बनाए रखेंगे. ओम रवये नमः. स्लोली व्हाइल ब्रीद आउट, स्लोली डाउन, स्लोली मंत्राज के साथ करेंगे. ओम सूर्याय नमः. देन दोनों पाम को फ्लोर से टच एंड लेफ्ट लेग बैक. लेफ्ट की नीज फ्लोर से टच भी कर सकते हैं. चेस्ट सामने की तरफ रखें एंड देन अप देखने की कोशिश करें. ओम भानवे नमः. देन फ्रंट लेग को बैक ले जाएं, डाउनवर्ड डॉग, फेसी डाउन पोजीशन में. हिप्स अप रखें. ओम खगाय नमः. वेरी गुड. देन स्लोली नीज टच करेंगे फ्लोर से, चेस्ट टच, चिन टच एंड हिप्स अप एक जेंटल पेस में. ओम खगाय नमः. ये सॉरी ओम पूछने वाली पोजीशन थी. ओम पूछने नमः. देन स्लोली भुजंगासन में आएंगे पूर्ण. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. वापस डाउनवर्ड डॉग, फेस डाउन पोजीशन में जाएंगे, टोच पे आए, हिप्स अप ले जाएं, फेस डाउन. ओम मारीचाय नमः. हिप्स अप करें, अभी डाउन नहीं करना, हिप्स अप करें. डाउनवर्ड डॉग, फेस डाउन पोजीशन में आए, फेस डाउन, हिप्स अप. टोच पे आओ बेटा, सामने सामने टोच पे आओ. देखो सब, अब देखो
साइड से देख ले, अगर पीछे देख दे आवाज आ रही है पीछे तक, थोड़ी देर रुके ऐसी अवस्था में, देन स्लोली लिफ्ट डाउन करते हुए लेफ्ट लेग फ्रंट लाएंगे दोनों पाम के बीच में। ओम आदित्याय नमः, देन बैक लेग भी फ्रंट लाएंगे, ओम सावित्रे नमः। सॉरी, दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हैं, अगेन बैकवर्ड बैंड, ओम अर्काय नमः, देन नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे, ओम भास्कराय नमः। वंस अगेन ये सब विदाउट मंत्रा करेंगे, इनहेल करते धीरे धीरे बैक जाएंगे, अगेन बैकवर्ड बैंड, अभी लेफ्ट से के ना राइट से भी करेंगे, होल्ड फ्यू सेकेंड होल्डिंग के साथ करेंगे, फेस काम, प्लीज लुक अप, हाथ सीधे रखें सभी, आर्म्स स्ट्रेट, स्ट्रेच फील ऑन योर लोअर बैक, 5 4 3 2 1, देन स्लोली स्लोली डाउन जाएंगे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। अगर नेक पेन है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सामने देखेंगे प्लीज, नीचे नहीं देखेंगे। होल्ड फ्यू सेकेंड अगेन, नीज शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेच फील ऑन योर थाइज मसल्स एंड काफ, पाम फ्लोर से टच एंड राइट लेग बैक, राइट लेग अभी लेफ्ट के अंदर उससे पहले, अब राइट एंड लुक अप, स्काई की तरफ देखें, फेस काम स्माइल बनाए रखें फेस पर, वेरी गुड, देन स्लोली फ्रंट लेग को भी बैक ले जाएंगे, हिप्स अप, फेस डाउन, अधोमुखो शवासन में, वेरी गुड, होल्ड फ्यू सेकेंड अगेन, 4 3 2 1, देन स्लोली नीज टच, चेस्ट टच, हिप अप, स्टांग नमस्कार आसन, चिन भी टच करें, बातें नहीं करेंगे, देन स्लोली स्लोली कम्स इन भुजंगासना अप टू नेवल पॉइंट, नेवल टच रहेगी इतना उठे, नेवल टच थोड़ा डाउन है, एकदम फुल नहीं जाना, हम एक्सटेंड करते हुए, वेरी गुड, अमदान आर्म्स को एक्सटेंड करते पूर्ण भुजंगासन में आए, एंड लुक अप स्काई की तरफ देखें, नहीं देख पा रहे तो सामने देखें, फेस काम रखें, वेरी गुड, धीरे से नीच को उठाते हुए टोच पे जाएंगे, अधोमुखो शवासना में, बैलेंस बनाए इसी में ही, जो खाली बैठे हैं प्लीज ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं, कुछ नहीं कर सकते तो ध्यान करें, बैक स्ट्रेट रखें, फेस विल बी काम, आईज क्लोज एंड फील्स योर ब्रीदिंग, स्लोली हिप्स डाउन एंड राइट लेग फ्रंट, दोनों पाम के बीच में, बहुत बढ़िया, लुक अप या लुक फ्रंट, देन बैक लेग फ्रंट लाएंगे, वेरी गुड, इनहेल करते हो दोनों आर्म्स बैकवर्ड बैंड की तरफ चले जाएंगे स्ट्रेच करते हुए, बहुत अच्छे, देन कम से नमस्कार मुद्रा, अगेन 2 से 3 गहरी सांस लेके छोड़े, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, देन आर्म्स डाउन एंड रिलैक्स पोजिशन में आ जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे मूव कर लेंगे। देखिए वार्मिंग अप में भी बहुत अच्छा फायदा है सूर्य नमस्कार में, क्योंकि पूरी बॉडी वार्म हो जाती है ना, और स्ट्रेचिंग के साथ आसनाच के साथ। चलिए अब थोड़े बैलेंसिंग पोज करेंगे, वृक्ष आसना, फर्स्ट दिन बताया था ना, 3 फेज में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जो बिगनर्स है वो फर्स्ट फेज के साथ स्टार्ट करेंगे, जिनका अभ्यास अच्छा है वो सेकंड, जिनका बहुत अच्छा है वो थर्ड। चलिए राइट लेग को फोल्ड करते हुए नीच पे ले आए, या थाइज पर जिसमें भी अच्छी अवस्था हो, इनहेल करते दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे सीना बाहर की तरफ, टेक अ टेम्पल मुद्रा, आईज क्लोज नहीं करेंगे और सामने देखें, आर्म सीधे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, फोल्ड नहीं होंगे, फेस काम स्माइल बनाएं और इस अवस्था में रुकें एटलीस्ट 20 सेकेंड, आंखें बंद नहीं करेंगे, सामने देखें, बहुत अच्छे, होल्ड करें इसी अवस्था को, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, पहले लेग्स डाउन लाएं धीरे धीरे, देन दोनों आर्म्स को धीरे धीरे साइड से पाम की दिशा चेंज करें, स्लोली डाउन, टेक आर्म्स को वेस्ट पे रखें, डीप ब्रीथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe out. Relax, then same, performing other side, other leg. Right leg को place करें, अपनी toes, knees या thighs. आपको पता होगा आपकी बॉडी की एडजस्ट कहाँ किस पॉइंट पर होगी. होल्ड करें, वेरी गुड. धीरे धीरे दोनों आर्म्स को ले जाएं आप. हाथ सीधे कानों से लगे हुए आपके, सामने देखें बिल्कुल, स्माइल बनाए रखें फेस पर. बहुत बढ़िया. ध्यान लगाने के लिए पूरा पर्टिकुलरली ब्लिंक भी आपके अकॉर्डिंग हो, ऐसे एक एक पार्ट पर फुल अटेंशन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहले लेग्स को डाउन लाएंगे धीरे 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 धीरे. देन एक भी यहाँ से नहीं लाना, दोनों आप साइड से स्लोली पाम डाउनवर्ड. एंड देन आर्म्स को वेस्ट पर रखें अगेन. टेक डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अब शोल्डर ब्रीथ के बराबर गैप ले लें, दोनों आर्म्स को फ्रंट लाएं, पाम डाउनवर्ड, चेयर पोज क्या करेंगे. लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है. और धीरे धीरे सॉली जैसे स्क्वाट्स पोजिशन में जाते हैं ना, नीज आपके टोस से आगे ना जाए, इतना करना है. बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं, जैसे चेयर पर बैठते हैं. और सामने देखें, सामने देखें, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें जिसमें कंफर्टेबल रहें. स्ट्रेंथ कम होगी तो वाइब्रेशन हो सकता है लेग्स में, कोई दिक्कत नहीं. इसी अवस्था में होल्ड करें एटलीस्ट 10 सेकेंड. सामने देखें प्लीज, चेहरा कैसा बना रहे हैं. कल बताया था ना, जैसा चेहरा चाहिए ऐसा बनाओ. गुस्से वाला चेहरा चाहिए, मुस्कान वाला ना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्लोली अप. धीरे 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 होल्डिंग से तो बढ़ेगी ना पावर मसल्स की. हाँ, देन डीप ब्रीथ. आर्म्स को वेस्ट पर रखें नॉर्मली, गहरी सांस ले, आगे पीछे घूम ले, रिलैक्स पोजिशन में आ जाए. वेरी गुड. वंस अगेन सेम आसन एक बार फिर परफॉर्म करेंगे, दोनों आर्म फ्रंट, पाम डाउनवर्ड. एंड देन इनहेल करते हुए स्लोली डाउन जाएंगे. बैक को सीधा रखने की कोशिश करें, बहुत अच्छे जितना कर सकते हैं. वेरी गुड. इसी अवस्था में रुके, फेस काम, सामने देखें. 10 कर नहीं पा रहे क्या पीछे वाले. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली अप. स्लोली स्लोली बॉडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए. देन आगे पीछे मूव करें. बातें नहीं करेंगे. योग में क्या ना, उठने बैठने और आपका लेटने का तरीका भी बहुत जेन्युइन होना चाहिए. उसके लिए देखिए क्या करना है. जैसे आप बैठने की पोजीशन में, तो दोनों आर्म सामने रखें और जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है उसको फ्रंट रखें. लेफ्ट लेग को फोल्ड करें ऐसे धीरे धीरे. आइए सभी, अगर नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसको भी डाउन करें. पहले वज्रासन में आए, यही उठने का तरीका है. पहले नीज पे आए, स्ट्रॉन्ग लेग को फ्रंट लाएं, पाम को प्लेस करें ऐसे थाइज पर, देन प्रेस करते हुए ऐसे, देन लेफ्ट लेग को लाएं. बैक क्या है, स्ट्रेट है, बैक फोल्ड तो नहीं आगे तरफ, यही सिचुएशन आपके बैठने की है. देन लेफ्ट लेग फोल्ड, किसी का लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो लेफ्ट लेग को आगे रखिए, राइट लेग को फोल्ड करिए. स्ट्रॉन्ग लेग आगे की तरफ रखें आप, लेफ्ट लेग बैक एंड राइट लेग बैक, कम फिन वज्रासना. ये अब इससे जाना है आपको लॉन्ग सिटिंग पोजिशन के लिए. यहीं से लेफ्ट लेग स्ट्रेट करें, वेरी गुड. देन राइट लेग स्ट्रेट करें, बहुत अच्छे. यहीं से वापस आना है ऐसे ही, पहले राइट लेग फोल्ड करें, स्ट्रॉन्ग लेग, देन प्लेस करेंगे, देन लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे. उठने का तरीका धीरे 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 बैलेंस के साथ, ऐसे राइट लेग फ्रंट जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है, लेफ्ट लेग फ्रंट, देन आप आ गया. ये सिंपली चलिए, वन थिंग लेफ्ट लेग बैक, राइट स्ट्रेट एंड राइट, पाम को प्लेस करें आपके पास, सेक करें, शेकिंग शेकिंग, फेस को आपकी तरफ रखें, स्माइल बनाए रखें. देन फर्स्ट आसना करेंगे दंडासना. दंडासन मतलब
स्ट्रेच करते हुए, ऐसे बॉडी को स्ट्रेट करते हुए, पाम को लाएं हिप के पास, पाम को हिप के पास, पैर बिल्कुल सीधे नहीं, नीचे ऐसे फोल्ड नहीं होंगी, टोच को अंदर की तरफ लाएं इनसाइड, और पाम से प्रेशर डालें डाउनवर्ड एंड स्ट्रेच योर बॉडी आपकी तरफ जाएगी ऐसे ही, फुल फुल स्पाइन स्ट्रेट, दोनों पैर मिले हुए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा। पीछे की तरफ प्लेस मत करो, हिप के पास, हिप के पास, हाँ यहाँ से ये अब आए ना इरेक्ट, हिप बिल्कुल नहीं उठेंगे, इसी अवस्था में रुकिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली स्लोली पहले नीज को रिलीज करेंगे, देन लॉन्ग सिटिंग पोजिशन के लिए जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई पोज, खासकर फीमेल्स के लिए, हॉर्मोनिकल इम्बैलेंस जिनको रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। पहले राइट लेग फोल्ड करें देन लेफ्ट, लेकिन करें कितना, कम से कम 1 से 2 मिनट, कोई डिजीज में अगर आपको योग करना है तो उसको ज़्यादा करना है, इसके रेपिटेशन भी 3 से 4। बैक सीधी रखें, जितना क्लोज कर सकते हैं आप हील्स को, अब नीज का मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे, स्पाइन स्ट्रेट रखें, धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो नीच को फ्लोर से टच भी कर सकते हैं, टच करने की कोशिश करें, वेरी गुड, ऐसे क्रॉस ओवर करो, गर्ल्स क्रॉस ओवर करें, ये बहुत अच्छे, स्पाइन सीधा रखें, फेस काम, 12, 11, पेस बढ़ाइए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, देन नीज को प्रेस करते हुए डाउन की तरफ, स्ट्रेच एंड लुक फ्रंट, एक पॉइंट पर रुकने की अभ्यास बनाइए, पूरा ध्यान आपका एक पॉइंट पर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then slowly release करेंगे धीरे धीरे, then left leg straight, then right leg straight, and comes in long sitting position, look up, face calm, then take deep breath in, and breathe out, breathe in, and breathe out, यहीं से धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेट करते हो, लेफ्ट लेग फोल्ड करें, वज्रासन में आएंगे, देन राइट लेग फोल्ड, कम्स इन वज्रासना, खाना खाने के बाद सबसे अच्छा आसन यही है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, और बेनिफिट कब करेगा, जब 10 से 15 मिनट आप इसका अभ्यास करें, हाथ बिल्कुल सीधे रखें, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड लुक फ्रंट, आपको लगता है कि आपकी नेक बिल्कुल सीधी है, हल्का सा अप करें, हल्का सा, यहाँ से स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आर्म शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड फ्यू सेकेंड, चलिए फिर से ध्यान अपना ब्रीदिंग पर केंद्रित करें, एंड फील योर ब्रीदिंग अगेन, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, कोई बात नहीं, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, फोकस आपका अपनी ब्रीदिंग पर, वापस अटेंशन लाएं, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं ना आप कितने बड़े ध्यानी हैं, ये भी तो बात है ना, चलिए फील करिए अपनी ब्रीदिंग को, बहुत बढ़िया, यहाँ से फर्स्ट आसना करेंगे अर्ध उष्ट्रासना, उष्ट्रासन की जो आपकी सीरीज है ना, ये आपकी बॉडी पोस्चर को अच्छा बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, नीचे पे आ जाएंगे सभी धीरे धीरे,
इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म्स को ले जाएं बैक, लोअर बैक की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे, देन राइट को लाएं ऐसे ही, प्रेस कर लिए इजीली। और ये जो आपके एल्बो है ना, इसको इनसाइड लाएं प्लीज, ऐसा आउटसाइड ना रखें, इनसाइड। टोच पे आ सकते हैं, टोच को डाउनवर्ड भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल अपने अकॉर्डिंग। और इनहेल करते हुए बैक जाएंगे ऐसे स्ट्रेच, ये पूरी स्पाइन की जो कर्विंग है ना उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। बॉडी पोस्चर जो आप डेली वाइज में बैठ बैठ के ना हल्का हल्का फ्रंट की तरफ रैप की तरफ आपको पता नहीं चलता हो जाता है बॉडी पोस्चर, उसको सही करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप देखें चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाएंगे। रुके, 7 6 5 4 3 2 1 स्लोली स्लोली पहले वापस आए, सामने देखें, स्लोली लेफ्ट आर्म्स को अप ले आए धीरे 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 धीरे, देन राइट स्लोली एंड कम्स इन वज्रासन। रिलैक्सेसिव आपका वज्रासन है, जैसे उसको लॉन्ग सीटिंग था लेग्स आपने फैलाए थे, अब ये जो फोल्डेड है इसमें वज्रासन। रिलैक्सेसिव पोज भी याद रखो, लेटने वाली में भी दो पोजिशन है ना आपके लेटने की, सवासन और मकरासन, पेट के बल मकरासन है रिलैक्सेसिव, उसी में आना है आरासन के बाद। ऐसे बैठने में तो वज्रासन में आना है, इसी को पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन में बस आपको इनहेल करते हो आर्म्स को, अपनी हील्स को प्रेस करना है हील्स पे, ऐसे राइट से राइट की हील्स। चलिए पहले लेफ्ट आर्म्स को लाएंगे, थोड़ा गैप बना लीजिए, देन राइट से लाएं धीरे धीरे, देन बैक को आगे, हिप को थोड़ा आगे की तरफ लाएं, एल्बो को अंदर की तरफ, सीना अप एंड होल्ड इसी अवस्था में एटलीस्ट कम से कम 15 सेकेंड। बातें नहीं करें प्लीज, अटेंशन आपका अपनी ब्रीदिंग पर। सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन स्लोली स्लोली स्कल का बैक करते हुए फ्रंट की तरफ आए, देन लेफ्ट आर्म्स को लाएं स्लोली, देन राइट एंड कम्स इन वज्रासना। ये आसन विपरीत है आपके मंडूक आसन का भी, मंडूक आसन बहुत अच्छा आसन है। आपके गैस्ट्रिक जिनको प्रॉब्लम रहती है, पेट फूला फूला रहता है, खासकर जिनको डायबिटीज की समस्या, उनके लिए भी ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए। दोनों पाम का सामने की तरफ रखें, थम इनसाइड एंड थम को दबा लीजिए ऐसे फिंगर से, और बिल्कुल नाभि के पास ऐसे रखें, नाभि पे नहीं रखना, बिल्कुल नाभि के पास, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से गहरी सांस लें, और धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे स्लोली स्लोली। नीचे नहीं देखना, सामने देखें जब चले जाएं। अब धीरे धीरे ब्रीथ करते रहेंगे छोटी छोटी सांसें। हाँ, जिनको नीज से प्रॉब्लम है वो सुखासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन इज बेस्ट। रुके इसी अवस्था में, ब्रीथ ओनली करेंगे, सामने देखेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 देन स्लोली स्लोली आप आएंगे धीरे 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 धीरे। इसका विपरीत आसन जैसे पहले किया था ना वो वाला है, अब वो 2 टाइम्स किया था, इसको भी 2 टाइम्स करेंगे। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, फिर से गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, वंस अगेन सेम आसना परफॉर्म एक बार फिर। चलिए गहरी सांस लेते हुए ब्रीद आउट एंड स्लोली स्लोली डाउन जाएं, और सामने देखें, लुक फ्रंट एंड फेस काम, होल्ड इट, होल्ड रखें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए धीरे 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 धीरे, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब करेंगे गले के लिए वॉइस पतली करने के लिए, कभी फील भी करना, आप पहले की रिकॉर्ड वॉइस करना और सिंहासन के बाद वॉइस रिकॉर्ड करना, तो पतली करता है आपकी आवाज़ को, धीरे 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 हो जाती है ना उसको पतला करने के लिए। नेक जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, लेकिन करना थोड़ा ज़्यादा है उसको, आप नीच को वाइट कर लीजिए, वेरी गुड, अच्छे से सीना बाहर की तरफ, इनहेल करते हुए आर्म्स को अप्लाएं, राइट आर्म्स एंड प्लेस योर राइट आर्म्स थाइज के पास ऐसे इनसाइड, ऐसे लेफ्ट आर्म्स को लाएं अंदर की तरफ, ये सीना बाहर की तरफ,
जैसे लाइन करते हैं ना, ये आंखें भी घोड़ना है बिल्कुल ऐसे, लंबी गहरी श्वास भरनी है, सामने देखते हुए, रेडी, चल एवं अगेन वॉइस के साथ, आंखें सामने रखते हुए, हंसना नहीं है, चलो वंस अगेन, अरे शेर हंस जाएगा, हमला कर देगा कोई, आप पे शेर हंसता देखा है कभी, दाड़ दे वक्त, चलो वंस अगेन स्टार्ट, कैसे बिल्ली जैसी आवाज निकाल रहे हो, शेर देखा नहीं क्या, अच्छा बिल्ली हो तो बिल्ली बन के आवाज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करो कि बिल्ली है, फील करो, चलो वंस अगेन, होल्ड करेंगे सभी, जीभ निकालिए बाहर, आंखें खुली हुई, जीभ निकाले बाहर, आंखें खुली हुई, लेबिल लगा देंगे नहीं तो आपके ऊपर, चलिए अब बस नहीं, सामने देखें, आंखें खुली हुई, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, जीभ बाहर निकालो ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1, देन स्लोली वापस आ जाएंगे। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, जाओगे ना मार्केट में ये थायराइड की प्रॉब्लम मिलेगी, इससे अच्छा आसन कोई नहीं है थायराइड के लिए, आज असरे वहाँ कराना पड़ेगा, करके दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, मार्केट में जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा डिजीज यही मिलेगी आपको थायराइड की, ऐसी गोली भी ऐसी एक बार चालू हो गई बंद भी नहीं होती, आपको घर में केसेज भी मिलते होंगे, चलिए वापस लाएंगे नीज को, बहुत बढ़िया, चलिए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, देन राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, दही बिलोने का वो देखा आपने, अभी निकालेंगे मक्खन, मक्खन क्रिया योग के अंदर, खासकर जिनको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हॉर्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, समझो योग को समझो ना, उनके फायदे भी जब समझो, कोई भी चीज़ कब लोग करते हैं, जब उनको फ़ायदा उसका होता है तभी तो, ऐसे देखो दोनों पैर को ज्वाइन करें, हील से हील, टोस से टोस, थोड़ा दूर रखेंगे, नीज आपका थोड़ा वाइड रहेगा, दोनों आर्म सामने की तरफ रखें और फील करें बस, ऑटोमेटिक आपके सामने अब हांडी है दही की, उसको बिलोना है दूध को, ऐसे इनहेल एक्सहेल, फील वर्चुअली फील करना है आपको, फील करें ये ऐसे दूर दूर ऐसे, इसी में पेस बढ़ाएंगे, वेरी गुड कंटिन्यू, तैयार कर लीजिए अपना मक्खन, बहुत बढ़िया, वैसे ही पंजाब में तो चला ना परौंठा, मक्खन के साथ परौंठा नहीं खाते, मथुरा में फेमस है, बस ठीक है बहुत बढ़िया, निकालिए बहुत बढ़िया, कंटिन्यू फील करना है, फील से बातें नहीं करेंगे, थोड़ा पेस अप, कितना पेस बढ़ा सकते हैं, 10, 9, इतना ही पेस है, थोड़ा और पेस अप, बहुत अच्छे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, थोड़ा मीडियम, कंटिन्यू रखेंगे, गांव में देखा है 15 मिनट लग जाते हैं, अब कंटिन्यूस लगे रहते हैं, मट्ठा तैयार हो गया, अब उस मट्ठे को पीना भी अभी कंटिन्यूस करते रहो, पहले दूसरों के लिए भी तो करना है ना, आलू की कड़ी बनाओगे, कंटिन्यू, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then relax, चलिए सुखासन में आ जाएंगे, पाम अपवर्ड एंड गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, सिंपल स्ट्रेच करेंगे राइट साइड, राइट की तरफ स्ट्रेच करते हुए स्पाइन को, पीछे की तरफ देखें, राइट साइड जाइए सभी, स्ट्रेच करें, होल्ड इट, 5, 4, 3, 2, 1, देन सामने आए, सेम देन अदर साइड स्ट्रेच करें एंड होल्ड,
अदर साइड 5 4 3 2 1 देन वापस आए, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट करें, देन राइट धीरे धीरे। अब लेटने का तरीका देख लीजिए कैसे, एकदम सीधे से लेट जाना है, धड़ाम ऐसे नहीं लेटना आपको, टर्न ऐसे राइट आर्म्स को जो उनसे स्ट्रॉन्ग है उसको साइड साइड रखें, लेफ्ट जाएं तो लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऐसे राइट जाएं और फिर धीरे से शवासन में आए ऐसे। ये ऐसे उठने का तरीका है आपका, एकदम झटके से नहीं उठना किसी को भी, लेटने बैठने का तरीका भी सीखिए। चलिए सभी राइट साइड टर्न लेते हो, शवासन में जाएंगे, फेस मेरी तरफ रखिए सभी, उठ जाइए सभी उठ जाइए, फेस मेरी तरफ, पैर अपोजिट साइड रखो, चलो जाओ शवासन में। शवासन मीन्स कोई बात नहीं, फील करें अपने ब्रीदिंग को, शवासन मतलब कमर के बल। योग क्लासेस नहीं चलते क्या आपकी, शवासन मीन जानते आप, फेस काम रखे, फेस काम, आम सिप से थोड़ा दूर रखें, लाइव वीडियो आपकी चल रही है, सीधे लेट जाइए सभी, लेट जाइए पीछे तक, मैंने बताया जिनको नहीं करना वो खाली बैठे हैं वो ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं, कम से कम कुछ तो करें, योग में बहुत चीजें हैं, आप जरूरी नहीं है कि पैरों में प्रॉब्लम है तो हाथों से करिए, कुछ नहीं कर सकते तो ब्रीदिंग पर ध्यान लगाइए, एक मिनट के लिए पूरा टेंशन आपका अपनी ब्रीदिंग पर, क्लोज योर आईज, सबसे आसान है लेकिन सबसे कठिन आसन है ये योग का, पैरों में थोड़ी दूरी बनाए रखें, हील इनसाइड टोज आउटसाइड, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, बहुत अच्छा, स्लोली स्लोली दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे एक साथ, आंखें खोल लेंगे धीरे धीरे, आर्म उसके हिप के पास लाएं, पाम फ्लोर से टच, धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेफ्ट लेग को 10 डिग्री पर उठाएं, ओनली लेफ्ट लेग 10 डिग्री पहले, देखो वो दोनों पैर उठा लिए पीछे वाले ने, लेफ्ट लेग देन 20 डिग्री स्लोली, 20 बोला है सुनो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 80 एंड देन 90 पर होल्ड, होल्ड करें 90 पर, नीज शुड बी स्ट्रेट, फेस काम, हाथों से मत पकड़िए, इतना भी नहीं कि एक पैर भी नहीं होल्ड कर सकते आप, इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी के अंदर, होल्ड करें थोड़ी देर, 5 4 3 2 देन 80 डिग्री पर लाएं, धीरे धीरे कंट्रोल में रहिए, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए ना, आप कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, 60 पर लाएं, 50 40 30 20 10 एंड रिलैक्स, रिलैक्स में शवासन में जाएं, वो जेंटली वे से कर रहे हैं ना, रिलैक्स योर सेल्फ, वंस अगेन जॉइन योर लेग, बोथ लेग, राइट लेग को रेज करेंगे, आर्म्स के पास लाएं पहले, राइट लेग रेज करें ओनली राइट 10 डिग्री पर, 20 30 40 50 60 70 80 एंड देन 90 पर स्ट्रेच करें, टोज पॉइंटेड, नीज शुड बी स्ट्रेट, 7 6 5 4 3 2 1 एंड 80 डिग्री पर लाएं, 70 डिग्री पर लाएं,
60 डिग्री पे लाएं, 50, 40, 30, 20, 10 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ। ये भी जो हंस रहे हैं इनको लास्ट में लाफिंग क्लास के लिए आगे आएंगे, जब कहते हैं जब तो हंसते नहीं आप। अब बोथ लेग से करेंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन करें, आर्म्स को हिप के पास लाएं, पाम फ्लोर से टच, पहले 10 डिग्री पे रेज करेंगे। देखिए जो पेट की मसल्स है ना, एक एक मसल्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 डिग्री पे रेज करें धीरे धीरे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 पे होल्ड करें। देखिए आजकल वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, उनके लिए होल्ड करें थोड़ा, 15 to 20। वाइब्रेशन फील करेंगे पेट पर, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्धहलासन। कोई जर की मूवमेंट नहीं है, खासकर आपकी बैक की स्ट्रेंथन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कहते हैं ना जिम में जाके पेट में एब्स बनते हैं, इस आसन का अभ्यास करो आप। देखो पेट के एक एक मसल्स आपकी एंगेज होंगी, धीरे धीरे 80 पर लाएंगे, 70 जर की मूवमेंट नहीं प्लीज, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड रिलैक्स इन सवासना। बहुत बढ़िया, रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। देखो वो सीधे उठ गए पीछे, अभी बताया था ना अगर उठने भी है तो राइट साइड टर्न लें या लेफ्ट साइड टर्न लें, अब नहीं तो बाद में काम आएगा, अभी सीख लो इसको। बैक प्रॉब्लम से आप अगर इंजर्ड हैं और सीधे उठे तो और पेन ले बैठेंगे। हमेशा या दाएं करवट उठें या लेफ्ट करवट उठें, चलिए नेक्स्ट आसना करेंगे पवन मुक्त आसना। उसके लिए बोथ लेग ज्वाइन करें, दोनों आर्म्स हिप के पास लाएं, पहले राइट लेग फोल्ड घिसराते हुए लाएंगे, एकदम से स्ट्रेट उठाकर नहीं लाना, घिसराते हुए। देन लेफ्ट लेग फोल्ड करें, अब धीरे से दोनों नीज को पेट के पास लाएं, वेरी गुड। इंटरलॉक करें, नीज को अच्छे से होल्ड करें, फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। राइट की नीज को पकड़ लें राइट की तरफ पाम से, लेफ्ट की नीज को लेफ्ट के पाम से। पहले गहरी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और नोच को दोनों नीच के बीच में हाँ ले जाएं, टच करने की कोशिश करें, जो टच नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करें इसी अवस्था में। ब्रीद होल्ड कर सकते हैं वो जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोशिश करें ब्रीद होल्ड ना करें, श्वास लेते रहें, क्योंकि तो पता नहीं ना आपको सामने क्या दिक्कत है क्या नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 देन इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन लाएंगे नेक स्लोली। अभी नीच को होल्ड रखिए, पहले नेक डाउन लाओ, थोड़ी देर रुको, हाथों को हटाओ, पैर सेम पोजीशन में रखो, हाथों को हिप्स के पास लाओ, फ्लोर से टच करो एडी को पहले हिप्स के पास, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करो धीरे धीरे, देन राइट लेग को स्ट्रेट करो। आपका टारगेट ज़्यादातर जो योग इसमें जाओगे तो जिनको डिजीज है ना वो ज़्यादा टारगेटेड रहेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम से उठा के पैर नहीं ले आना, धीरे धीरे कैसे आना है कैसे जाना है ये तो सीख लो, यही सबसे ज़रूरी है। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए नेवल पॉइंट आजकल गिर जाती है पता भी नहीं चलता, नाभि गिरना जिसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया, कभी नहीं गिरेगी। पादांगुष्ठा नासा से स्पर्श आसन, उसके लिए पहले दोनों पैर ज्वाइन करें, देन राइट लेग फोल्ड, राइट लेग फोल्ड ओनली, राइट को अप उठाएं, नीच को थोड़ा दूर ले जाएं और अपनी टोच को कोशिश करें अपने पाम से पकड़ने की, नेक नहीं उठाएंगे अभी, फोल्ड करें हाँ अंदर की तरफ लाएं टोच को, नीच को बाहर की तरफ ले जाएं, अंदर की तरफ लाएं नीच को बाहर की तरफ, टोच पकड़िए दोनों हाथों से, राइट की टोच पकड़ो दोनों हाथों से, हाँ फोल्ड करके
नेक डाउन लाओ, नीच अंदर की तरफ मत लाओ, नीच बाहर की तरफ ले जाओ, जैसे बटरफ्लाई पोज में ले आते हैं ना नीच को, ऐसे ले जाओ। वेरी गुड, लंबी गहरी श्वास भरो और श्वास छोड़ दो, अपनी टोच को अपनी नोज से टच करने की कोशिश करो, पैर को ऊपर उठाकर अंदर की तरफ लाओ, चलो टच करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। देखिए अभी आपको पेट पर बहुत अच्छा फील होगा, लगा के रखे नोज को, लगा के करें। इसका नाम भी पादांगुष्ठानासाद स्पर्शासन, अपने अंगूठे को अपनी नोज से टच करना। इस अवस्था में रुके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एकदम से वापस नहीं आना। पैर को पकड़े रखे, नेक को डाउन लाए, पैर पकड़े रखे, अभी हाथ हटाए, एड़ी को टच करें फ्लोर से और धीरे धीरे स्ट्रेट करें, धीरे धीरे। अब देखिए फील करें अपने राइट की बैली की तरफ और लेफ्ट की बैली की तरफ, राइट वाला काफ़ी हल्का महसूस होगा आपको, फील हो रहा है? करेंगे तो फील होगा, नहीं करेंगे तो कुछ फील नहीं होगा। देन लेफ्ट लेग फोल्ड करें, आप उठाएं जैसे बटरफ्लाई पोज में करते हैं, नीच को बाहर की तरफ ले जाएं और टॉर्च को पकड़ें, टॉर्च को पकड़ें। अभी नेक नहीं उठाएं एकदम, प्लीज पहले गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, तभी तो आगे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बन पाएगी जब श्वास छोड़ के जाएंगे। चलो श्वास छोड़ते हुए नोज को टच करो, अपने टोज से टच करने की कोशिश करो, टच करके उसको होल्ड भी करो, नहीं होल्ड कर पा रहे कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं। नीचे वाला पैर स्ट्रेट रखो, चाहे 10 डिग्री पे ले आके स्ट्रेट रखो। वेरी गुड, इसी अवस्था में रुके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पहले नेक डाउन, स्लोली स्लोली नेल करते हुए पैर को होल्ड रखें। शहर वाले बच्चे जानते नहीं नाभि गिरना क्या होता, लेकिन गांव वाले बच्चे जानते होंगे, बड़ी आम समस्या है और ये सही भी नहीं होती एकदम, कभी नाभि नहीं गिरेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इसका अभ्यास आप कर ले 2 मिनट, देन आते टाएंगे एडी को टच करेंगे फ्लोर से, देन स्ट्रेट कर लेंगे। अभी मेडिकल साइंस में डॉक्टर भी नहीं जानता कि नाभि गिरना क्या है, कहीं नहीं कोई दवाई है इसकी। देन राइट लेग दोनों पैरों को ज्वाइन करें, फर्स्टली राइट लेग फोल्ड करें, देन लेफ्ट लेग फोल्ड करें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, नीच को जैसे बटरफ्लाई पोज में ले आते हैं ऐसे ले जाएं, गैप लें, टोच को पकड़ें, गर्दन नहीं उठाएंगे, हाँ वेरी गुड, टोच को पकड़ें, एडी से एडी टोच से टोच मिलाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज को टच करें अपनी टोच से। अब देखिए पूरा जो आपका प्रेशर है ना वो आपकी नेवल पॉइंट पर है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी अगर नोज टच हो गई तो, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। इसी अवस्था में रुके और 90% की मैं लग रहा टच कर भी पा रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी। प्लीज कोई जर्की मूवमेंट मत करो, कुछ और ले बैठोगे। होल्ड करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, देन स्लोली नेक डाउन लाएंगे धीरे 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 धीरे, पैर को होल्ड रखेंगे अभी, देन हाथों को हटाएंगे, लेफ्ट लेग दोनों फ्लोर से टच करेंगे राइट लेग को, पहले लेफ्ट लेग स्ट्रेट देन राइट और चले जाएंगे शवासन में। बहुत बढ़िया, अब फील करिए देखिए अपने बैली एरिया को, इसने अच्छे से किया होगा ना वो फील भी करेंगे, काफ़ी हल्कापन महसूस होगा आपको। रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, पढ़ने दो सन की रेज को अपनी बॉडी के पास। सबसे ज्यादा विटामिन डी 7 से 9 की धूप के बीच में होता है। चलिए जैन इसके अपोजिट करेंगे, बोथ लेग को ज्वाइन करें, टर्न टू देयर लेफ्ट साइड, सभी लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए पेट के बल लेटेंगे मकरासन में, लेफ्ट आर्म्स को फोल्ड करें, राइट को उसके ऊपर प्लेस करें और फोरहेड को या नेक को राइट या लेफ्ट रख दीजिए जिसमें कंफर्टेबल है, लेफ्ट नीचे रखें,
अब आपको हार्ट के लिए बताऊंगा एक आसन बहुत अच्छा, आपकी बैक के लिए भी, आपके शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। वेरी गुड। लेफ्ट की पाम नीचे रखे, राइट की पाम उसके लेफ्ट की पाम के अपोजिट साइड पर रखे ऐसे, राइट की पाम के अपोजिट साइड अपने फोरहेड पर, दोनों पैरों को ज्वाइन करें और यहीं से पूर्ण भुजंगासन के लिए आएंगे। आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए पूरा हाथों से सीधा स्ट्रेट उठाइए, लेफ्ट नीचे रखते वहीं रखते हुए ये ऐसे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, लुक अप, फेस काम, स्ट्रेच आपको अपनी बेली मसल्स पे भी होगा। पर ध्यान रखिए कि लेफ्ट आर्म आपका नीचे रहेगा, राइट अप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्लोली डाउन। धीरे 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 धीरे, जर्क नहीं करना आपको। जिनको बैक पेन है वो सीवियर बैक पेन है का, लोअर बैक का, वो धीरे धीरे करेंगे बहुत, कोई भी मूवमेंट फास्ट नहीं करेंगे। बे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करें, रिलैक्स योर सेल्फ, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट आसन करेंगे मेन भुजंगासन, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। दोनों पैरों को ज्वाइन करें, दोनों आर्म्स को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लाएं, एल्बो शरीर से टच रखें और धीरे धीरे उठेंगे अप टू नेवल पॉइंट, अप टू नेवल पॉइंट, नेवल शरीर से टच उठेंगे धीरे धीरे। नेवल ये नाभि जिसका भी किया था, ये टच रखे, इतना उठे, थोड़ा और ऊपर नाभि, नाभि थोड़ा डाउन, यहाँ बस यहाँ रोके, एल्बो शरीर से टच रुके ऐसी अवस्था में। 12 बैक स्ट्रेंथन के लिए सबसे अच्छा आसन है। 9, 8, 7 ये बहुत बढ़िया, 6, 5 स्माइल बनाए रखें, 4 नहीं तो गुस्से का फोटो खींच जाएगी, 3, 2, 1 स्लोली डाउन, स्लोली 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 स्लोली। इतना अच्छा साधन बता रहे हैं, स्माइल तो बना सकते हैं फेस पर। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। रिलैक्स योर सेल्फ इन मकरासना। नेक को राइट या लेफ्ट रख दीजिए। अब जैसे नेक को लेफ्ट रखा ना आपने, तो लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए। सबसे अच्छा बैक के लिए सबसे अच्छा आसन यही है। नहीं, लेफ्ट को फोल्ड करके आगे की तरफ लाएं, ऐसे जैसे वो रखा ना, नेक को उधर की तरफ। हाँ ये इसमें रिलैक्स करें, देखिए सबसे ज्यादा बैक आपकी जो रिलैक्स हो रही है ना, वो सबसे अच्छी पोजिशन यही है। नेक को उसी तरफ ले जिस तरफ लेग फोल्ड किया। अगर बैक पेन से गुजर रहे हैं ना, तब समझेंगे ये चीजें। फील जब भी होता है, जब कोई पेन होता है, तो कोशिश करें बॉडी को पेन ना हो तो ही बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या है, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। तो लास्ट आसन करेंगे अब पेट के बल, दोनों पैरों को ज्वाइन करें और मैक्सिमम अपार्ट फीट ले जाएं, जितना गैप कर सकते हैं, 2 से 3 फीट का गैप ले जाएं पैरों में, और दूर ले जाएं, दूर ले जाएं। पाम को पेट के पास लाएंगे फोल्ड करते हुए पेट के पास, और इनहेल करते हुए फुल आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे आप, स्ट्रेच करते आप आए जाइए आप फुल एंड लुक अप। धीरे धीरे नेक को राइट साइड ले जाएं, स्लोली स्लोली लेफ्ट की एड़ी देखने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सामने लाएं, सेम ने नेक को अदर साइड और फ्यू सेकेंड, फिर सामने लाएं, अगेन लुक अप, और यहीं से धीरे धीरे नीच को फोल्ड करते शशांकासन में जाएंगे, चाइल्ड पोज जाइए, शशांकासन में जाएं। वेरी गुड। हाथ बिल्कुल सीधे रखें, हाथ सीधे रखें, रुके इसी अवस्था में। अब एकदम से नहीं उठना, धीरे धीरे टिप टिप पे वापस आएंगे, टो टिप से अपने हाथों की टिप से वापस आएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेट होंगे, वज्रासन में आएंगे, धीरे 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 एकदम से नहीं आना, टिप टिप से बैक को स्ट्रेट करेंगे। हाँ ऐसे, ये सबसे अच्छा तरीका है। धीरे 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 यहाँ से आर्म्स को अप ले जाएंगे, दोनों आर्म्स, दोनों आर्म्स अब
आगे पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा प्लीज, कोई बात नहीं थोड़ा एडजस्ट कर लें। ऐसे कम सिन वज्रासना बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बैठे वज्रासन में, देन धीरे से प्राणायाम फेस के लिए जाएंगे। अब किसी भी कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं। पाम को अपवर्ड कर लें, कोई मुद्रा नहीं लेनी, कोई मुद्रा नहीं लेनी, रिलैक्स, बस पाम अप की तरफ रखें। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्माइल ऑन योर फेस एंड फील्स अगेन योर ब्रीथ एटलीस्ट 1 मिनट। 1 मिनट बॉडी को प्रिपेयर करें, बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्राणायाम, रिलैक्स। Then slowly, slowly open your eyes. Slowly, slowly, slowly. देखिए मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मोस्ट पावरफुल मुद्राएं हमारी योग के अंदर है ना, उसमें एक तो कल बता दी मैंने आपको, 2 दिन से अभ्यास भी कर रहे हैं, टेम्पल मुद्रा। एक ही हाकनी मुद्रा, मतलब कल 5 एलिमेंट्स बताए थे, याद है ना सबका एलिमेंट्स? ये अग्नि, ये आवाज नहीं आ रही, ये कौन सा है? ये आकाश है, वायु। ये बहुत अच्छे, ये जल। अब 5 तत्व हो गए, सेम इसमें 5 तत्व आपस में कनेक्ट कर दो, आपस में कनेक्ट कर दो और ऐसे बैठ जाओ। खाली बैठे हो तो कुछ नहीं कर सकते, ये कर लो। सबसे पावरफुल मुद्रा है 5ों का बैलेंस बनाने के लिए, हाकनी मुद्रा, मोस्ट पावरफुल मुद्रा। आराम से स्टेबल करके सीधे बैठ जाओ, जैसे क्लास में बैठे हो तो पूरा ध्यान आपका क्लास पर, मुद्रा साथ में ये ले लो। सिंपल, सेटिंग में बात करते हुए भी ऐसे कभी देखना भी, आप जितने बड़े बड़े ये बिलीनियर्स हैं वो कभी कभी देखना ये मुद्रा लेते भी हैं, वो बैठे बैठे बात करते हुए तो ये रखेंगे टेंपल मुद्रा ऐसे, या फिर ये मुद्राज का बहुत बड़ा रोल है आपकी एनर्जी में। अभी फ्लो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होने देगा ना, एक लॉकिंग हो गई ना ये 5ों तत्व से, तो 5 एलिमेंट्स आपके, ये क्या नाम है, जो भी इंडिस बैलेंस होगा उसको बैलेंस कर देगा। चलिए फील करें अगेन ब्रीदिंग को। अब यहीं से इसी अवस्था में कपाल भांति क्रिया का अभ्यास करेंगे, 1 सेकंड 1 बीट से धीरे धीरे। बैक सीधी रखें प्लीज, करते रहें और महसूस करिए अलग ही एनर्जी फील होगी जब टच करते हैं ना बॉडी की टिप, टिप टच करने से ही फील होने लगेगा धीरे धीरे आपको, कुछ तो अलग फील होगा ये तो पक्का है, और जो फील होगा वो भी अच्छा होगा पक्का, महसूस करके देखो आप। इसी पेस को मेंटेन रखें 1 मिनट तक। Then relax and deep breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब थोड़ी देर योग करेंगे आईज के लिए, फिर आई आंखें खुली रखें, आंखें धीरे धीरे खोलें, ये जिसने बंद की है। कुछ फील हो रहा है अलग, किसको फील हो रहा है वो राइट आर्म रेज करें, फील हो रहा है कुछ अलग ये मुद्रा लेकर,
कुछ नहीं महसूस हो रहा? कोई बात नहीं, फील होगा जब इसका ब्याज ज़्यादा करेंगे। तो आइस के लिए ये मुद्रा रखें साथ में, और अब बस ब्लिंक आपको मेरे अकाउंट पे करनी है, 1 ऐसे, 2 जब मैं कहूँगा 2 तो बंद करके खोलनी है, 3 पे ऐसे, 4 पे ऐसे, एटलीस्ट मिनिमम 20 टाइम। 20 के बाद जब आँखें खोलें तो उसमें ब्लिंक नहीं होने देना, आपको सामने देखें जितनी देर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ब्लिंक होंगी आइस क्लोज कर लेंगे, फर्स्ट ब्लिंक के साथ 20 के बाद। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 20 के बाद जो भी पर्टिकुलर आंखों के आपके सामने हो, किसी भी एक पॉइंट पर, राइट या लेफ्ट नहीं, बिल्कुल सामने, वो अपना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट ना हो सामने देखें, फर्स्ट ब्लिंक पर ही आइस क्लोज करेंगे, लेकिन वो 20 मेरे अकाउंट पर। रेडी? पूरे टेंशन के साथ चलिए, गहरी सांस भरें और गहरी सांस छोड़ें। चलिए 1 मेरे अकाउंट पर ब्लिंक होगी आपकी आइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लिंक कर रहे हैं अभी, ब्लिंक न मत करिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड विदाउट ब्लिंक देखे सामने, फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज करेंगे देन क्लोज योर आईज। देखो एक छोटी सी आंखें हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी भागे जा रही हैं, बहुत है, पानी आ रहा है, आने दीजिए, यही तो ध्यान है। एक आंखें आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक छोटा सा ये पार्ट था आपका ब्लिंकिंग, वेरी गुड, थोड़ा फील करें, दोनों आर्म्स रब करें अच्छे से, आंखों पे रखेंगे बहुत लाइट प्रेशर के साथ, लाइट प्रेशर के साथ आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे हाथ हटाएंगे एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। प्लीज मैं कहता हूँ आंखें बंद करके धीरे धीरे खोला करिए, एक एक पार्ट की अपनी अपनी वैल्यू है, आँख की तो सबसे ज़्यादा, इसकी केयर करें। पानी आ रहा है कोई बात नहीं, दिक्कत, धीरे 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 एडजस्ट जैसे करेंगे ना तो बढ़ जाएगी, छोटा सा अभ्यास है लेकिन बहुत अच्छा, फिर से एक बार करेंगे। चलिए ये डबल ब्लिंक नहीं करनी, फर्स्ट 1 जब मैं कहूँगा जब तक सेकेंड ना हो ब्लिंक नहीं करनी है आपको, ठीक है? रेडी? चलिए स्टार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 विदाउट ब्लिंक सामने देखे जब तक देख सकते हैं, देखते रहिए, सबकी कैपेसिटी अलग होगी। फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज, जैसे ही ब्लिंक हो तुरंत आईज क्लोज, आंखें बंद रखें थोड़ी देर, थोड़ी देर आंखें बंद रखें, वेरी गुड, देन अगेन रब करें, अच्छे से रब करें, आंखों पे रखें, थोड़ी देर आंखों पे रखें, होल्ड इट, 5, 4, 3, 2 हाथों को उठाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें, प्लीज पूरा प्रॉपर टाइम ले, 10 सेकेंड, धीरे 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 आंखें खोलें, स्लोली स्लोली स्लोली, ज़्यादा टाइम तो है नहीं लेकिन सेकेंड अभ्यास आंखों के लिए करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा है, त्राट का जैसे घर में करते हैं घर में बहुत अच्छा है, लेकिन यार लेफ्ट आर्म से कोई भी मुद्रा ले लीजिए या थंब को इनसाइड करके ऐसे बंद कर लीजिए, ऐसे रखिए, और राइट का थंब आपके बिल्कुल सामने, आंखों के सामने, दोनों आंखों के सामने ऐसे। अब ना तो इधर ध्यान जाएगा, ना इधर ध्यान जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ और सिर्फ ये नाखून का अगला भाग है जो, प्लीज़ इस पर ध्यान रखें, ऐसे इसको पास लाना है, इसी को देखते रहना है, ये कितना पास, 2 से 3 इंच दूर, बस ये यहीं से दूर ले जाएं,
कितनी बार करना है? एटलीस्ट 5 टाइम जब तक मैं कहता रहूं। चलिए पास लाइए सभी, इसी को देखते रहें, इससे आपका ध्यान न हटे। सामने ले जाएं, थोड़ा दूर, वेरी गुड। पास लाएं, ध्यान पूरा आपका अपने थंब पर रहेगा, राइट। दूर ले जाएं, बहुत अच्छे। फिर से पास लाएं, दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, देन पास लाएं लास्ट टाइम, और पास लाकर विदाउट ब्लिंक अपने थंब के नेल्स को देखिए, विदाउट ब्लिंक जितना देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लिंक के साथ ही आईज क्लोज करेंगे, पूरा टेंशन, देन क्लोज योर आईज, आर्म्स डाउन ले आए, अब आंखें बंद ही रखेंगे, कोई मुद्रा नहीं लेंगे, पाम अपवर्ड, फेस काम, ध्यान ब्रीदिंग पर। काफी अच्छा फील होगा आपके अपने आईज के आसपास। देन अगेन रब करें, अच्छे से रब करें, आंखों पे रखें लाइट प्रेशर के साथ, थोड़ी देर आंखों पे रखें, देन धीरे 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 हाथ हटाएंगे, सोली सोली आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब आगे पीछे प्लीज ऐसे हो जाएं आप कि जैसे अब आंखें जब बंद करेंगे ना तो वहीं के वहीं लेट जाएं आप, ऐसे आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आंखें सीधा लेटने के बाद खोलनी है आप, ऐसे आगे पीछे होंगे कि शवासन में लेट जाएंगे आंखें बंद करते हुए ही, टकराएं ना आपस में एक दूसरे से, ठीक है सभी। पाम अपवर्ड रखें, अभी लेटना नहीं है, हाँ एक बार देख लो एडजस्ट करके, कोई बात नहीं, आंखें जब मैं कहूँगा जब ही खोलेंगे लास्ट में। चलिए पाम अपवर्ड, पूरा ध्यान अपना ब्रीदिंग पर, क्लोज योर आईज एंड 3 टाइम ओम चेंडिंग के साथ सीधे शवासन में जाएंगे। चलिए शवासन में जाते रहेंगे, स्लोली स्लोली आंखें बंद रखेंगे, हाँ धीरे धीरे, सीधे नहीं लेटना, हल्का सा टर्न या राइट साइड या लेफ्ट साइड, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे, कोई आंखें नहीं खोलेंगे, ऐसे तो इमेजिनेशन करिए आंखें बंद करके ही, लेट जाओ शवासन में, लेट जाओ, धीरे धीरे हल्का पैरों में गैप कर लो, और 3 से 4 मिनट लास्ट में बोलते योग निद्रा, मतलब फिजिकली मूवमेंट आपने कर लिया को रिलैक्स करने के लिए, ये लाइंग डाउन भी बहुत जरूरी है, योग निद्रा आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल काम, पैर सीधे रखें, अब कोई हलचल नहीं करेंगे, बस पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित करें पहले, फील करें अपने ब्रीदिंग को, पॉजिटिव फीडबैक देंगे अपने माइंड को, जस्ट थिंक
कि धीरे धीरे मेरे बॉडी के एक एक पार्ट रिलैक्स हो रहे हैं। अभी लास्ट जो 1 आवर हमने फिजिकली मूवमेंट्स किए हैं, उनका फैक्ट जिस जिस मसल्स पे आया है वो रिलैक्स हो रही हैं। एक एक ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं, एक एक टिश्यूज रिलैक्स हो रहे हैं, देन एक एक सेल्स रिलैक्स हो रही हैं। जस्ट फील इट, ओनली फीडिंग करिए, ऑटोमेटिक ब्रेन आपका ऐसे ही काम करने लगेगा। रिलैक्स करते हुए जाइए, और महसूस करिए सर से लेकर पैर के फिंगर्स तक हल्कापन महसूस करें। कोई तनाव कोई पेन मेरे शरीर के अंदर नहीं है, फील करें। जस्ट फील सिट रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपना ध्यान आसपास के नेचर पे लाएं, पक्षियों की चहचहाट को फील करें, खुद को कनेक्ट करें इस नेचर के साथ, खुद को जोड़िए उस नेचर के साथ। कितनी शांति है चारों तरफ, फील करें। फील से वॉइस ऑफ नेचर, द वॉइस ऑफ बर्ड्स, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने फेस पर लाएं, ऑब्जर्व करें अपने फेस को, स्माइल फेस पर बनाए रखें, और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई भरकुटी पर लाएं, और फील करें उस गॉड, उस परमात्मा, उस स्पिरिचुअल पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं। खुद को कनेक्ट करिए उस स्पिरिचुअलिटी के साथ, फील करिए वो आपके सामने है। टू मिनट्स के लिए धीरे धीरे वापस अपना ध्यान अपना ब्रीदिंग पर केंद्रित करेंगे। फील करिए स्पिरिचुअली हील पहले से, बहुत लाइट, बहुत हल्का महसूस करें, एकदम लाइट। आंखें बंद ही रखेंगे और बहुत धीरे धीरे में टोच का मूवमेंट करेंगे, स्लोली स्लोली टोच का मूवमेंट करें ओनली, देन धीरे धीरे हाथों की फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे, नीज का मूवमेंट करेंगे, शोल्डर्स का मूवमेंट करें, नेक को राइट साइड टर्न करें, लेफ्ट साइड टर्न करें, आंखें बंद ही रखेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट्स को थोड़ा बढ़ाएं, देन दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, अपने रब करें, एटलीस्ट 3 टाइम रब करेंगे, रब करो रब करो, रब करके तुरंत आंखों पे रखो, लाइट प्रेस के साथ आंखों पे रखिए,
आंखें बंदी रखेंगे, सेकंड टाइम रब करो अच्छे से, रब करो जब तक हथेलियां गर्म ना हो, रब करो बहुत अच्छे, आंखों पे रखो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रब करो, आंखों पे रखो थोड़ी देर, आंखों पे रखेंगे 3 से 4 सेकंड। अब धीरे धीरे फेस को रब करो, आंखें बंदी फेस को रब करो, अपने कानों से होते हो अपनी नेक रब करो, अपनी चेस्ट, अपना पेट का एरिया, बैली एरिया, नीज को फोल्ड कर लो, थाइज को रब करो, प्लीज रबिंग जरूर करो, काफ रब करो पैरों को उठाकर, टोज, अपनी रिस्ट, फोर आर्म, बाइसेप्स होते हो अपने शोल्डर्स, दोनों हाथ सीधे, वो सॉरी पैर सीधे करो, और जैसे लेटे लेटे अंगड़ाई लेते हैं ना फुल स्ट्रेच करते हुए, एक पूरी स्ट्रेच के साथ अंगड़ाई लो, फुल स्ट्रेच प्लीज, एक बार अप की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हो मैक्सिमम, ये तो ले सकते हो आप, फुल स्ट्रेच करें, आंखें बंदी रखे लेटे लेटे, लीजिए फुल राइट साइड टर्न एंड लेफ्ट साइड टर्न, अब लेटे लेटे ही स्लोली स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली स्लोली जस्ट टर्न टू देयर लेफ्ट साइड, और धीरे धीरे उठ जाएंगे, धीरे धीरे उठ जाएंगे, धीरे धीरे अभी भी सीधे उठ रहे हैं, लेफ्ट साइड टर्न या राइट साइड टर्न, फेस मेरी तरफ कर लेंगे, अभी लाफिंग हंस रहे थे ना बच्चे, आ जाएंगे क्या सामने जरा, नहीं जो भी हंस रहे थे आ जाओ सामने लाफिंग क्लास के लिए, नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे करेंगे वॉइस के साथ, आवाज जाएगी यूनिवर्सिटी तक, चलिए बहुत बढ़िया, दो नाम सामने की तरफ रखो अच्छा सुनो सुनो सुनो, जरूरी नहीं है वॉइस आएगी, हमारे यहाँ होती है एक साइलेंट लाफिंग, वॉइस भी नहीं, अपने आप में हंसी है मजा नहीं आ रहा वॉइस के साथ ही करेंगे, चलिए मन सके फिर से एक बार बहुत बढ़िया, जोरदार ताली अपने लिए आपके साथ, बहुत बढ़िया कर दे रही है क्लैप, बहुत बढ़िया, एक वॉइस, चलिए कंटिन्यू, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, 3 दिन और क्या उसके लिए भी तालियां, अपने स्टाफ के लिए तालियां, वर्कर्स के लिए तालियां, सब के लिए, बहुत बढ़िया, कैसे हैं सभी, बहुत बढ़िया, एंजॉय किया, पक्का, दोनों हाथ उठाकर, पक्का, पक्का, योग करेंगे, चलिए एक थोड़ी वो कहते हैं ना कि सबसे प्यारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देश हमारा, देश हमारा भी जब भी होगा ना, जब हम भी प्यारे होंगे, पक्का ये विश्वास है, फिर उसकी रक्षा हम करेंगे ना, देशवासी कैसे करेंगे, धन से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, तो सबसे प्यारे में बोलूंगा तो आप कहेंगे शरीर हमारा, क्या शरीर हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, कैसे करेंगे, योग से करेंगे, 3 बार बोलना है, योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे, तो सबसे प्यारा पीछे तक आवाज नहीं आ रहा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, उसकी रक्षा, 3 बार, उसकी रक्षा, उसकी रक्षा, कैसे करेंगे, तो सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, उसकी रक्षा, उसकी रक्षा, कैसे करेंगे, पक्का, योग करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, सुबह करेंगे,
सुबह कराएंगे, मम्मी को भी कराएंगे, पापा को भी कराएंगे, पक्का स्वस्थ रहेंगे, पक्का। बहुत बढ़िया, अगली बार आए तो पक्का सभी योग करते हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए। भारत माता की जय।